सुबह से लगा हुआ अकेला, यहाँ कोई नहीं है और कोई दस करता साथ में लग के, सारे पीर भी ऐसे है और अकेला लगा हुआ। मैं कुमार बोल रहा, मेरी हालत बहुत बुरी तरह से ठीक हुई, ये लोग कोई भी मदद करने के लिए कोई नहीं जा रहे। सराहा डेडिकेटेड कोविड 19 सेंटर में काम कर रहे एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने वीडियो बनाकर वायरल करके कोविड 19 सेंटर के भीतर की पोल खोली है। वीडियो में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी साफ कहता नजर आ रहा है कि वह अकेले सराहा डेडिकेटेड कोविड 19 सेंटर में सेवाएं देते थक चुका है। उसने यह भी साफ तौर पर कहा है कि इस डेडिकेटेड केयर सेंटर में जो अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं वह सेवाएं देने को लेकर गंभीर नहीं है, जिसके चलते इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सरकार सराहा डेडिकेटेड कोविड सेंटर के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करे ताकि यहां पर सेवाएं दी जा सके। जो स्टाफ के पीएन है वो बिल्कुल बेकार भेज रखे हैं, कोई काम करके जारी नहीं है। ये लोग हो गए, ये पहले सारे चेक करते हैं, रात को सिलेंडर बचाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, डेड बॉडी पैक करवाते हैं, बाकी कोई हेल्प करने के लिए तैयारी नहीं है यहाँ पे। और सरकार से यही धन्यवाद है कि यहाँ पे स्टाफ भेजा जाए और बढ़िया स्टाफ भेजा जाए, जिससे यहाँ पे लोगों को सब कुछ सहूलियतें मिले और हम लोगों को भी सहायता मिले। अब अकेले आदमी हम क्या क्या करें। इसके अलावा वीडियो में एक व्यक्ति बिना पीपीई किट पहने डेड बॉडी को स्ट्रेचर पर रखते हुए देखा जा रहा है, जिससे यह साफ हो रहा है कि अंदर किस तरह से अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। वैसे यदि स्वास्थ्य विभाग की माने तो जिस कर्मचारी ने वीडियो बनाया है यह वीडियो कर्मचारियों की आपसी रंजिश के कारण बताया जा रहा है, परंतु चाहे कुछ भी हो अव्यवस्था साफ झलक रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने डेडिकेटेड कोविड सेंटर की पोल खोलकर रख दी है। वीडियो में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपना नाम भी बता रहा है। इसके अलावा जो दूसरा व्यक्ति बिना पीपी किट पहने हुए था उसने भी अपना नाम बताया है। इस बारे में जब बीएमओ पच्छाड़ डॉक्टर संदीप शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने वीडियो वायरल किया है, उनकी अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में ड्यूटी को लेकर आपसी मतभेद चल रहे थे। इसके अलावा जो बिना पीपीई किट पहने व्यक्ति मृत शरीर को स्ट्रेचर पर ले जा रहा था उसके बारे में उन्होंने कहा कि उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी और वह एक कोरोना मरीज के साथ अटेंडेंट के रूप में रह रहा था, इसीलिए उसे पीपीई किट नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि डेडिकेटेड केयर सेंटर सराहा में समय समय पर डॉक्टर व स्टाफ नर्स मरीजों की देखभाल करने जाते हैं। साथ ही में उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं में कोई ढील नहीं बरती जा रही है। सुबह से लगा हुआ अकेला, यहाँ कोई नहीं है और कोई दस करता साथ में लग के, सारे पीएल भी ऐसे है और अकेला लगा हुआ। मैं कुमार बोल रहा, मेरी हालत बहुत बुरी तरह से ठीक हुई, ये लोग कोई भी मदद करने के लिए कोई नहीं जा रहे यहाँ पे। बेचारे जो यहाँ पे पेशेंटों के साथ है और बाकी लोग यहाँ पे जो स्टाफ के पीएल है वो बिल्कुल बेकार भेज रखे है, कोई काम करके जारी नहीं है। जो बेचारे पेशेंट के साथ है, जैसे भाई साहब ग्रुप हो गया, हो गए, ये लोग हो गए, ये पहले सारे चेक करते हैं, रात को सिलेंडर बचाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, डेड बॉडी पैक करवाते हैं, बाकी कोई हेल्प करने के लिए तैयारी नहीं है यहाँ पे। और सरकार से यही धन्यवाद है कि यहाँ पे स्टाफ भेजा जाए और बढ़िया स्टाफ भेजा जाए, जिससे यहाँ पे लोगों को सब कुछ सहूलियतें मिले और हम लोगों को भी सहायता मिले। अब अकेले आदमी हम क्या क्या करें। धन्यवाद कुमार आगमन, मैं भी धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का, ये बहुत काम कर रहे हैं और हमें जो है अब सोते बोलिया बहुत रैपिड करनी पड़ रही है, अकेले करनी पड़ रही है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए राजगढ़ से डीडी शर्मा की रिपोर्ट। नहीं आएगी। आएगी इस मौसम में तो नहीं आएगी। जरूर आएगी। लगी शर्त, एक महीने की सैलरी डबल। गोयल मोटर्स। आ गई गोयल मोटर्स सर्विस ऑन व्हील। कभी भी
कहीं भी। बुक योर सर्विस नाउ।